इसे विद्युत विभाग की लापरवाही ना कहें तो फिर क्या कहें। शायद कटघर पीतल बस्ती रोडवेज से चंद कदमों की दूरी पर मुख्य अधिशासी अभियंता के कार्यालय से दूर कटघर पीतल बस्ती रोडवेज के गेट के पास चल रही 11,000 की लाइन को आप देख सकते हैं। दोनों पोल जड़ से गलकर जर्जर हो चुके हैं और ये सड़क की ओर झुककर हादसों को दावत दे रहे हैं। इसी के साथ 11,000 की लाइन के टूटे हुए तार भी आप स्वयं देख सकते हैं, सड़क को छूते हुए कितने नीचे झूल रहे हैं। 11,000 की लाइन के झूलते इन तारों के पास से वाहन तो निकल ही रहे हैं, साथ ही पैदल चलने वाले भी इसमें कभी भी उलझ सकते हैं। ये विद्युत विभाग की लापरवाही नहीं तो और क्या है। शायद विद्युत विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हर समय चेकिंग के लिए पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, बावजूद इसके अभी तक इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। अक्सर देखा गया है कि विद्युत विभाग के आला अधिकारी या कर्मचारी तभी किसी एक्शन में आते हैं जब कोई बड़ा हादसा घटित हो जाता है और जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो जाता है। इस न्यूज के माध्यम से पीतल बस्ती रोडवेज के पास इन झूलते और जर्जर हो चुके 11,000 की लाइन के खंभों को देखकर आप खतरे का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं।